दोस्तों, आज एक नई स्टोरी लेके आया हूं आपके लिए। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था, यंग था। अब उस गांव में पीने के पानी की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो इसको क्या करना पड़ता था कि नदी से रोज पीने का पानी लाना पड़ता था, नदी से पीने का पानी लाना पड़ता था। तो आपने यदि पिछले जमाने में याद हो तो एक कावड़ हुआ करती थी, ऐसी लकड़ी का डंडा रहता है कावड़, और उस पे दोनों तरफ एक झूला लटका रहता है समझो छोटा सा, और उसमें वो घड़े रख के, दो पानी के घड़े रख के वो कावड़ पे वो 2 घड़ा पानी लेके आता था रोज। आपने यदि वो श्रावण बाळ कभी सुना हो, जिनको पता है श्रावण बाळ ने उस उनके मम्मी पिताजी को उस कावड़ में बैठा के तीर्थ यात्रा करवाई थी, वो वाली। तो वो कावड़ में 2 घड़े रहते हैं, वो रोज लेके जाता है नदी पे, उसमें पानी भर के और लेके आता है, ये उसका डेली रूटीन है। अब उसमें से जो लेफ्ट साइड का जो घड़ा है वो तो एकदम बढ़िया है, लेकिन राइट साइड का जो घड़ा है ना, उसमें एक मामूली सा छेद है छोटा सा। अब उसकी वजह से क्या होता है कि वो घड़ा भर तो लेता है नदी से, लेकिन घर पे आने तक वो छेद में से थोड़ा थोड़ा पानी बह जाता है, और वो घर पे आने तक समझो घड़ा आधा हो जाता है, ऐसा समझो पानी आधा हो जाता है उसमें का। अब आप बोलेंगे कि वो किसान को पता नहीं है क्या जो ये पानी लेके आता है, तो उसको पता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को इग्नोर करता है। अब उस किसान की कुछ महीनों बाद शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद उसको 2 ट्रिप लगानी पड़ रही थी, क्योंकि वो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब तो वो 2 चक्कर लगाने लगा नदी पे, 2 बार पानी लाता था वो। अब ये सिलसिला चलता रहा, एक घड़ा अच्छा है लेफ्ट साइड का, और राइट साइड के घड़े में छोटा सा छेद है। अब उसकी बीवी पहले कुछ दिन तो कुछ बोली नहीं, लेकिन कुछ महीने, एक आध महीने बाद उसने बोला कि आपसे एक बात करनी है। बोले बताओ। बोले आप रोज इतनी मेहनत करते हो, पानी लाते हो, लेकिन एक घड़े का पानी तो पूरा आता है नदी से, और दूसरे घड़े में पानी कम आता है, क्योंकि वो घड़े में शायद छोटा सा छेद है, तो या तो एक घड़ा बदल दो या उस छेद को बुझवा लो, उसको घड़े को ठीक करवा लो। तो वो किसान कहता है कि बीवी से अपनी, कि तुझे क्या लगता है, मुझे ये पता नहीं है कि इस घड़े में छेद है। तो बीवी बोलती, शायद मुझे ऐसा लगा कि आपको पता नहीं है। नहीं, बोले मुझे पता है, अरे बहुत महीनों से पता है मुझे। तो बोले फिर आप ये काम करते क्यों नहीं, घड़ा क्यों नहीं बदल देते, या वो छेद बंद क्यों नहीं करवा लेते। तो बोले इसका जवाब मैं कल दूंगा, कल तू भी मेरे साथ चलना नदी पे पानी भरने के लिए। उसकी बीवी बोलती ठीक है। तो दूसरे दिन वो अपनी बीवी को भी लेके जाता है नदी पर पानी भरने के लिए। पानी भर के जब वो लौट रहा है, लेके आ रहा है, तो उसकी बीवी और वो रास्ते से जब चलते हुए आते हैं, तो किसान बोलता है देख, लेफ्ट साइड की जगह देख, लेफ्ट साइड के रास्ते की लेफ्ट साइड देख, और ये रास्ते की राइट साइड देख, तेरे को कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या इसमें। तो बोलती मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। तो किसान बोलता है जरा ध्यान से देखना, राइट साइड में हरियाली ज्यादा है, लेफ्ट साइड में सूखा है, और राइट साइड में देख हरियाली ज्यादा है, फूल हैं, घास उगी हुई है, झाड़ ज्यादा हरे हैं, जरा देख ध्यान से, और लेफ्ट साइड में वो हरियाली नहीं है, तो जरा ध्यान से देखती। और बोलती है हाँ हाँ बात तो सही है। बोले ऐसा कैसे क्या है। बोले रास्ते पे एक तरफ सूखा और एक तरफ हरियाली। तो बोले देख यही फर्क है, ये जो राइट साइड का मटका जो है ना, या राइट साइड का जो घड़ा है ना, जो छोटा सा थोड़ा सा फूटा हुआ है, मामूली सा छेद है उसमें, उसमें से जो पानी बह के जाता है ना, उसकी वजह से इस राइट साइड के झाड़ों को रोज थोड़ा थोड़ा पानी मिलता है, तो इस तरफ हरियाली है, इस तरफ फूल है, अच्छे पेड़ हैं, और लेफ्ट तरफ देख सूखा है। और बोले मैं जब वो कावड़ उठा के लाता हूं, तो मेरा मुंह भी राइट तरफ रहता है, तो मुझे वो हरियाली देखने को मिलती है, और ये हरियाली को मेंटेन करने के लिए ही मैं वो घड़े का छेद ठीक नहीं कर रहा हूं, भले ही मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़े। तो ये तो उस किसान का जवाब था दोस्तों। हमें क्या सीखना है, देखिए, सबका नजरिया, या जिसको हम इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं, या एंगल ऑफ थिंकिंग अलग अलग हो सकता है एक ही चीज को देखने का। किसान की बीवी का एंगल क्या था, वो सोच रही थी कि मेरे पति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत से पानी लाते हैं दूर से नदी से, लेकिन पानी आधा ही पहुंचता है, वो उसकी जगह सही है, उसको अपने पति से प्रेम है और चिंता है, वो सही है। किसान का एंगल देखने का अलग ही था। किसान का एंगल था कि भले ही मुझे पानी थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन देखो उसकी वजह से वो एक
छोटे से छेद वाले घड़े की वजह से एक तरफ पूरी की पूरी हरियाली है और पेड़ हरे भरे हैं, और वो जो घड़ा खुद है जिसमें वो ऐब है, जिसमें वो छेद है, राइट, उस घड़े की वजह से उसमें ऐब तो है, लेकिन देखिए उसमें भी एक एंगल है सोचने का कि उसमें ऐब है या उसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन उसकी वजह से शायद किसी और को फायदा हो रहा है, वो झाड़ों को पानी मिल रहा है। तो दोस्तों लाइफ में ऐसा होता है, हम बहुत जल्दी से किसी चीज पे कंक्लूजन निकाल लेते हैं और किसी को बोलते हैं कि सामने वाला गलत है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, वो गलत नहीं, वो अलग हो सकता है। तो इमीडिएटली किसी के बारे में कोई जजमेंट फॉर्म कर लेना या ओपिनियन निकाल लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें शायद उसके तरफ का एंगल नहीं पता है, उसकी बात, उसकी सोचने का तरीका नहीं पता है। तो इसीलिए हम, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, आप और हमारे लिए, हमारे मुंह से कभी भी देखो कोई व्यक्ति यदि हमारे मन लायक काम नहीं करता है तो हम बोलते हैं ये व्यक्ति गलत है, लेकिन हो सकता है वो गलत नहीं है, अलग है, क्योंकि उसके सोचने का अंदाज अलग है। दोस्तों अच्छा लगे तो इस बात पे सोच के देखना और इम्प्लीमेंट करना, और आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो ये स्टोरी शेयर करना। फिर अगली बार मिलेंगे कुछ नया लेकर।